अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग वोलेटाइल ऑयल के प्लांट्स जो हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स और प्लस NMR स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल के पांच मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो इसको याद करने का आसान तरीका है M³ और साथ में LA। ठीक है, M³ से M से मैंथोल, एम से मैंथोन, एम से मैंथाइल एसीटेट, तीन हो गए ये। इसके बाद एल से लाइमोनिन और ए से एसिटिक एसिड। तो फाइव कंस्टिट्यूएंट में सबसे पहला मैंथोल। मैंथोल के लिए साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। साइक्लोहेक्सेन के बाद CH3, फिर जो है आइसोप्रोपेन ऐड करेंगे, CH3 CH3, और उसके बाद जस्ट उसमें OH ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैंथोल। मैंथोल का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो सबसे पहले अब OH से जो सबसे ज़्यादा दूर होंगे, क्योंकि इसके अलावा तो ना डबल बॉन्ड्स हैं ना कुछ और चीज़ें हैं, तो मेन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH। OH से जो सबसे दूर होंगे वो अप फील्ड में आएंगे, जो OH के करीब होंगे वो डाउन फील्ड में आएंगे। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें, ये 1 2 3 पर है, ये भी 1 2 3 पर है, तो दोनों सिमिलरिटी पर हैं। हम इन दोनों में से किसी एक को भी ए रखेंगे, फिर इसको बी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 1 2 3। अब ये रिंग के अंदर हैं तो इसको हम सी रख लेंगे, क्योंकि इसके इस तरफ ज़्यादा बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है, ये बल्कि ग्रुप है, तो इसको डी थोड़ा डाउन फील्ड में रख देंगे, सी और डी हो गया। देन हमारे पास 1 2 1 2, फिर इसको भी इसी तरह से ई रखेंगे, फिर ये F हो जाएगा 1 2, सेकंड पोजीशन वाले जितने भी हो गए। F के बाद अब G और H, ये जो है G रख लेंगे फर्स्ट के बाद, ये जो फर्स्ट के बाद है इसको H रख देंगे, और क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, दो बांड लगे हुए हैं तो बाकी दो हाइड्रोजन होंगे, जबकि इसमें एक हाइड्रोजन होगा, तो इसको थोड़ा डाउन फील्ड में इसलिए रख दिया। और लास्ट जो डायरेक्ट OH के साथ अटैच है वो सबसे डाउन फील्ड में I हो गया। अब अगर हम इसका पीक स्पेल्टिंग पैटर्न देखें, सबसे पहला ए है, तो ए का हमारे पास नेबर कितने हैं, 1 2 3, इसमें मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन होगा। ज़्यादा आसान तरीका ये कि आप हाइड्रोजन भी इनके पहले से ड्रा कर लें ताकि आपको नेबरिंग और काउंटिंग में आसानी रहे। तो ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसके नेबर हाइड्रोजन एक है, तो ये स्पिल्ट होगी डबलेट में, ठीक है, और ये 3 हाइड्रोजन इसका अपना आएगा। फिर इसी तरह बी के नेबर अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन है, तो वो भी डबलेट में स्पिल्ट होगी और वो जो है 6 हाइड्रोजन वाली है। सी के अगर हम नेबर देखें, एक इस तरफ है और दो इस तरफ है, 3 है, तो 4 में ये स्पिल्ट होगी, 4 में स्पिल्ट होगी और इसके अपने जो है 2 हाइड्रोजन है। डी के भी नेबर 2 और 1 3 है, तो 4 में ही स्पिल्ट होगी और इसके अपने 2 हाइड्रोजन। फिर इसी तरह हम ई पर आ जाएं, तो ई के नेबर 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ और 3 ऊपर से, ठीक है, तो इसके तीनों तरफ से अटैच हैं, तो 4 और 3 7 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 7 + 1 8, 8 का स्पिल्टिंग पैटर्न होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसके अपने हाइड्रोजन जो है 1 हाइड्रोजन होगा। फिर एफ़ अगर हम देखें तो एफ़ के नेबर 3 और 3 6 और 1 7, इसके भी एफ़ के नेबर 7 हैं, तो ये भी 8 में ही ब्रेक डाउन होगी, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और अपना 1 हाइड्रोजन। एफ़ के बाद जी, जी के नेबर 1 इस तरफ से है और 1 इस तरफ से है, 2 नेबर हैं, तो ये ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन होगी अकॉर्डिंग टू रूल 2+1, और इसके अपने हाइड्रोजन जो हैं 2 हैं। इसी तरह अगर हम एच में देखें तो एच के नेबर जो हैं, 1 इधर से है, 1 इधर से है और 2 इधर हैं, 4 टोटल नेबर हैं। एच के इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 1 है और इस तरफ 1 है, 4 + 1 5, 1 2 3 4 5, और एच का अपना 1 ही हाइड्रोजन। आई के नेबर देखें तो 2 + 1 3 है, तो ये 4 में स्पिल्ट होगी और इसका अपना जो है 1 हाइड्रोजन। फिर इसको इसी तरह से जो है हम नंबरिंग दे देंगे, ये मिथाइल है तो 0.9 दे दी, उसके बाद वाला थोड़ा सा डाउन फील्ड 1.0, इसी तरह करते करते अगर CH
टू आ रहा है तो उसको जो है 1.3 तक रख लिया, CH आ रहा है तो 1. और फिर जो OH से डायरेक्टली अटैच होंगे, डायरेक्ट वाला तो 3 से अबव ही आएगा, 3 पॉइंट समथिंग के अराउंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह से जो है हम इन सब की नंबरिंग देते रहेंगे अकॉर्डिंगली, थोड़ा थोड़ा डाउन फील्ड करके। सेकेंड, अब मेंथोल से ही मेंथोन अगर हमें बनाना हो, सेम मेंथोल की स्ट्रक्चर ड्राइव की, उसी सेम स्ट्रक्चर में जस्ट एक मॉडिफिकेशन करनी है। यहाँ पे OH था, हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये बन जाएगा मैंथोन। अब इसका भी पीक स्प्लिटिंग जो है वो तकरीबन सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर हम इसकी भी करें अकॉर्डिंग टू वो ए बी सी डी ई एफ जी और ये वाला जो है H हो जाएगा, ऑक्सीजन के नेबर आ गया। तो इस तरह से ये भी जो है मैंथोन की। अब मैंथोन से ही हमें मैंथाइल एसीटेट ड्राइव करना हो, तो मैंथाइल एसीटेट के लिए हम फिर से सेम जो है मैंथोल की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो इस तरह से याद करें कि एक ही स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर आप किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। मैंथोल की वही स्ट्रक्चर बेसिक बनाया, यहाँ पे OH था, OH की जगह हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एसीटेट ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेंथाइल एसीटेट, ठीक है। फिर इसी में से अगर हमें लाइमोनिन ड्राइव करनी हो, तो लाइमोनिन के लिए हमें अब OH ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा, या लाइमोनिन के लिए दूसरे तरीके से अगर आप याद करना चाहें, सिंपली साइक्लोहेक्सेन बनाया, फिर से जो है CH3 लगाया। अब नीचे जो CH3 और CH3 था, अब इसमें दोनों CH3 नहीं आएंगे, एक तरफ CH3 रहेगा, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, और जिस साइड डबल बॉन्ड है उस साइड पे ऊपर से भी एक डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये बन जाएगा लाइमोनिन। अब इसकी नंबरिंग और पीक स्प्लिटिंग ड्रा कर लेते हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड से जो सबसे दूर होंगे ना उसको हम देखेंगे, तो डबल बॉन्ड से दूर यही पड़ रहा है हमें, ये देखेंगे 1 2 1 2, ये वाला 1 2 डायरेक्ट है 1 पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट 1 पे है, इसी तरह ये भी डायरेक्ट 1 पे, सबसे दूर तो ये पड़ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे ये CH3 है, इस वजह से हमने इसको B रख लिया, ये भी CH3 है इसको C रख लिया। फिर ये CH2 है, ये तीनों ही फर्स्ट पे, ये वाला फर्स्ट पे, ये वाला भी, ये वाला भी। अब ये रिंग के अंदर भी है, तो रिंग के अंदर होने की वजह से थोड़ा डाउन फील्ड में रख लिया, और दूसरा जो है CH2 है अब वो CH3 थे, तो ये D हो गया। फिर ये वाला E हो गया, इसके साइड पे जो है बल्कि ग्रुप अटैच है। E के बाद ये वाला F हो जाएगा, क्योंकि ये फर्दर CH है, एक हाइड्रोजन है। F के बाद हमारे पास ये वाला G हो जाएगा, CH2, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड अब CH2 है और ये CH है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये सबसे लास्ट रहेगा। अब इसकी भी अगर हम पीक स्पेल्टिंग करें, तो A के नेबर काउंट करने हैं, एक इस तरफ से है, दो इस तरफ से, तीन है, तो A हमें पीक देगा 4 वाली, ठीक है। और इसका अपना जो हाइड्रोजन नंबर है वो 2 है। इसी तरह अगर B की हम पीक स्प्लिटिंग देखें, तो B का नेबर यहाँ पे कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दो बॉन्ड इधर से हैं, एक इधर है, एक इधर है, 4 कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसका जो है नेबर कोई नहीं है, तो ये हमें सिंगलेट पीक देगा B, और जो है 3 हाइड्रोजन। फिर इसी के बाद C देखें, अगर हम C का नेबर ये वाला कार्बन है, तो इस पर भी 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी सिंगलेट पीक देगा C वाला भी। फिर D अगर हम देखें, D के नेबर इस तरफ से तो कोई नहीं है, इस तरफ से 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमें ट्रिपलेट पीक देगा, 2+1 ट्रिपलेट पीक आ जाएगी D की। फिर E की अगर हम देखें, E का इस तरफ से एक नेबर है, इस तरफ से भी एक है, 1 2 3 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ से होगा, तो 1+1 2 2 और 1 फार्मूले की, तो ये देगा ट्रिपलेट ई वाला भी। ई के बाद एफ देखें, तो एफ के नेबर इस तरफ से 0 है, इस तरफ 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, जब दोनों तरफ 2 2 हैं, और इनके अपने हाइड्रोजन ज़रूर मेंशन करना है, इसका 2 हाइड्रोजन है, इसका भी 2 हाइड्रोजन है, बी के 3 हाइड्रोजन है। फिर एफ के 4 नेबर हैं, तो ये हमें 4+1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 5 पीक स्पेल्टिंग पैटर्न देगा, 1 इसका अपना हाइड्रोजन। एफ के बाद जी देखें, जी का नेबर जो है कोई भी नहीं है, तो ये सिंगलेट देगा,
और दो अपने हाइड्रोजन एच एच के नेबर दो हैं तो 2+1 ट्रिपलेट पीक देगा, और इसके जो है अपना एक हाइड्रोजन। फिर हम इनकी जो है हम नंबरिंग कर देंगे जो